हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे अपने सीमावर्ती जो राजवंश हैं उनके बारे में देखेंगे। तो एंशंट इंडिया का ये प्लेलिस्ट चलते आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके पहले मैंने दक्षिण भारत का इतिहास आपको बताया था और दक्षिण भारत का इतिहास पूरी तरह से दो फेज में मैंने कंप्लीट कर दिया। एक तो संगम काल के तहत मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें चोल चेर पांडे के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद दूसरा काल हमने देखा था, लगभग 500 से 1200 ईस्वी तक हमने देख लिया है। वातापी के चालुक्य, चोल वंश, वेंगी के चालुक्य, राष्ट्रकूट, ये सब वंश हो चुके हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे सीमावर्ती राजवंश के बारे में। तो ये हमारा जो एंशंट इंडिया का प्लेलिस्ट चल रहा है और इसी के बाद हम देखेंगे राजपूत काल को भी, इसी में हम कंप्लीट कर देंगे। तो अर्ली मेडिएवल फेज में भी ये सब माना जाता है। तो मेडिएवल फेज में भी आप देखेंगे कि इसको पढ़ाया जाता है, लेकिन हम एंशंट इंडिया में ही कंप्लीट कर देंगे। और जो मेडिएवल का चल रहा है तो वो चल रहा है जब से अरबों का आक्रमण शुरू हुआ था, उस टाइम से मैं शुरू किया हूँ मेडिएवल को। और उसके बाद हम मॉडर्न को भी मैंने शुरू कर दिया है, जिसमें कि डिक्लाइन ऑफ मुगल से वो चल रहा है, तो वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो अब हम देखेंगे सीमावर्ती राजवंश, तो इसमें ज़्यादा नहीं, एक वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम आएंगे राजपूत के काल के बारे में। तो राजपूतों के बारे में हम देखेंगे इसमें, जो राजपूतों की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सब हर एक चीज़ें इसमें हम देखेंगे। गुर्जर, प्रतिहार, वंश, हर एक वंश इसमें आपको बताए जाएंगे। तो आज जो हमारा है, तो पहले हम देखेंगे सीमावर्ती जो राजवंश है, तो इसमें पहला राजवंश आता है आपको देखेंगे कि पाल वंश। तो पाल वंश के बारे में आज हम देखेंगे और फिर सेन वंश को भी देख लेंगे और कश्मीर के राजवंश को भी हम देख लेंगे इस वीडियो में। तो ज़्यादा क्वेश्चन भी इससे नहीं आता और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को इसमें जान लेना होगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं लिख चुका हूँ इसमें। तो जब मैंने आपको हर्षवर्धन का काल बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे गौड़ वंश का शासन काल चलता था यहाँ पे। तो अब जो हर्षवर्धन का शासन काल रहता है, उसके बाद देखेंगे कि हर्षवर्धन इनको हराता भी है। तो इन सब के वजह से यहाँ पे बहुत सारी अव्यवस्था फैल गई थी और इसी का फायदा उठा के गोपाल जो रहता है यहाँ पे पाल वंश की स्थापना करता है। बहुत अव्यवस्था फैल गई रहती है यहाँ पे, तो यही पाल वंश का शासन काल चलता है। तो ये मत देखिए यहाँ पे, ये बाद में, ये मैप मैंने आपको बताया, लेकिन बाद में ये लोग यहाँ तक के मतलब पूरा तरह कब्जा कर लिए थे पाल वंश ने। तो आपको बहुत सारे जगह ये भी देखने को मिलेंगे कि पाल वंश के जो राजा थे वो राजपूत थे, और बहुत सारे जगह आप ये भी देखेंगे कि ये क्षत्रिय थे, बहुत जगह आप ये भी देखेंगे कि ब्राह्मण थे, बहुत जगह आप ये भी देखेंगे कि बौद्ध थे। तो अब जैसे पाल राजाओं के जो आप अभिलेख देखेंगे, तो उसमें देखा गया है कि इनको सूर्य वंश की एक शाखा बोला गया है, तो ये आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो तिब्बत एरिया था, तो ये बहुत बड़ा रीजन था इधर तिब्बत, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बौद्धों का शासन काल था, यहाँ पे आप मुस्लिमों का शासन काल देखेंगे, तो ये सब चीज़ें था। तो बौद्ध वगैरह से भी इनके व्यापार वगैरह होते रहते थे, तो व्यापार करने के लिए जो ये थे, तो इस वजह से व्यापार करने के लिए बौद्धों लोगों को भी प्रोटेक्शन वगैरह देते थे। और यहाँ पे अगर इनको शासन करना था इन सब एरिया में, तो फिर राजपूतों को, ब्राह्मणों को, ये सबको भी महत्व देना ही पड़ता। तो इस वजह से इनको मतलब हर एक वंश का इसमें बताया गया है। तो अब हम देख लेते हैं जो पाल वंश था, तो इसका संस्थापक जो था ये गोपाल था। तो मतलब अव्यवस्था यहाँ पे फैल गई थी, आप देखेंगे कि जब हर्षवर्धन का शासन काल था, तो हर्षवर्धन ने फिर गौड़ नरेश जो शशांक था उसकी मृत्यु भी की थी, मतलब गौड़ वंश को पूरी तरह से यहाँ पे समाप्त कर दिया था। तो अव्यवस्था फैल गई थी, तो फिर यहाँ पे जो गोपाल था, समझ लीजिए एक प्रांतपति था, मतलब कि जो स्टेट होता है, स्टेट का एक गवर्नर होता है उस टाइप का था, और ये फिर यहाँ पे एक पाल वंश की स्थापना करता है। इसी को हम देखते हैं। तो ये 750 ईस्वी में गोपाल जो रहता है ये पाल वंश की स्थापना करता है। और इनकी जो राजधानी रहती है ये मुंगेर में रहती है और बौद्ध धर्म के ये अनुयायी थे, ये माना जाता है। तो आप यहाँ पे ये भी देखेंगे, जो एक तिब्बती लेखक तारानाथ है, तो वो गोपाल को बोलता है कि गोपाल जो था ये एक बंगाल के क्षत्रिय नहीं कि राजपूत मतलब वंश में ये पैदा लिया था। तो इसको मैंने बताया जैसे कि क्षत्रिय भी बोला जाता है, और ये जो आप तारानाथ है, तो इनके अनुसार ये बोलते हैं कि इनका जन्म राजपूतों में हुआ था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये सब चीजें बताइए। इतिहास में आप बहुत सारे जगह कॉन्ट्रेडिक्शन देखेंगे कि कुछ इतिहासकार कुछ बोल रहे हैं, कुछ इतिहासकार कुछ बोल रहे हैं। तो जब मैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में आपको बताऊंगा, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि राजपूतों को कितने जगह से उत्पत्ति को बताया जाएगा। तो कोई बोलेगा सेंट्रल एशिया से आए थे, कोई बोलेगा कि यहीं के थे, कोई बोलेगा ब्राह्मण थे, कोई बोलेगा क्षत्रिय थे, तो ये सब हम वहाँ पे देखें। और गोपाल जो थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो इस वजह से ये भी माना जाता है कि ये लोग बौद्ध थे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये सब एरिया था, तो यहाँ पे इनको यहीं पे शासन काल था इनका, तो यहाँ पे तिब्बत था और पूरा चीन था। तो इधर पूरे इलाके में देखेंगे कि मतलब कि बौद्धों का प्रभाव था, तो बौद्धों का प्रभाव था, तो यहाँ से इनको व्यापार वगैरह करना होता था। इस वजह से ये लोग हर एक धर्म को संरक्षण देते थे, तो बौद्ध धर्म को भी ये लोग संरक्षण देते थे, तो इस वजह से इनको बौद्ध धर्म का भी माना जाता है। तो इसके जो अनुयायी थे ये गोपाल जो हैं, तो गोपाल देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं यहाँ पे पहले जो शासक हैं जिन्होंने स्थापना की है इसकी, तो इस वजह से ये भी बोला जाता है कि ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। और इन्हीं के द्वारा आप देखेंगे गोपाल के द्वारा उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कराई गई है, और इसको महाविहार भी बोला जाता है। उदंतपुरी जो
विश्वविद्यालय है और इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की जाती थी, और ये नालंदा के आसपास ही है। तो जो माना जाता है ऐसा कि जिसको नालंदा में एडमिशन नहीं मिलती थी वो उदनपुरी में जाकर एडमिशन ले लेता था। तो अब इतने मतलब बौद्ध धर्म के देख रहे हैं आप, ये विश्वविद्यालय की भी स्थापना कर रहे हैं। इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बौद्धों का ही पूरी तरह से शासन काल है। अगर आप बौद्ध धर्म को प्रमोट नहीं करते हैं तो यहाँ से आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं इन लोगों से, व्यापार वगैरह। तो इस वजह से ये देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म के लिए स्कूल वगैरह भी ये बनवाता है। तो अगला जो शासक होता है इसमें महत्वपूर्ण शासक, तो ये होता है धर्मपाल। ये महत्वपूर्ण शासक रहता है यहाँ का पाल वंश का, और लगभग इसका आप देखेंगे तो शासनकाल 770 से 810 तक मिलता है। मतलब ये जो थे तो ये सबसे महान या फिर प्रभावी राजा थे पाल वंश का। तो इनको सबसे महान माना जाता है और सबसे शक्तिशाली भी इनको माना जाता है, धर्मपाल को। तो यही जो रहते हैं ये शासक, तो यही पूरी तरह से ये सब सीमाओं का विस्तार यहाँ पे कर देते हैं। और यही पाल वंश जो रहता है, तो मैंने बताया है आपको, यही जो कन्नौज रहता है यहाँ पे मेन ट्रेड रूट रहता है। यहीं से आप इधर भी ट्रेड कर सकते हैं, इधर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं शासनकाल। तो आप दिल्ली अभी भी देखेंगे जो रीजन है दिल्ली का, तो यहीं से हर एक चीज़ शासन प्रशासन चलता है, और ये दिल्ली से थोड़ी ही दूर पे रहता है। तो ये जो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, जिसमें कि आप देखेंगे कि पाल वंश करता है और यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश रहता है वो करता है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि गुर्जर प्रतिहार रहते हैं, ये लोग मतलब तीनों संघर्ष करते हैं इस कन्नौज के लिए। इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष बोला जाता है। तो मतलब कि आप देखेंगे कि जो प्रतिहार राजा रहता है वो वत्स राजा रहता है, यहाँ पे प्रतिहारों का शासनकाल था, और जो यहाँ पे आप देखेंगे राष्ट्रकूटों का शासनकाल था। तो यहाँ मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि ध्रुव राजा शासन कर रहा था, और अपालों का आप देख ही रहे हैं कि धर्मपाल रहता है। तो ये तीनों मिलकर यहाँ पे कन्नौज के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, और बहुत लंबा दिनों तक ये संघर्ष चलता है, क्योंकि यहाँ से ही मतलब पूरी तरह से आप इधर ट्रेड कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, इधर से इधर भी मध्य एशिया में कर सकते हैं। तो इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था एरिया। चाहे आप जो भी देखेंगे, जो भी आक्रमण वगैरह हुए हैं, तो आक्रमण हुए हैं तो यहाँ से हुए हैं, तो फिर आप देखेंगे कि सबसे पहले लोग किसको जीतना चाहते थे, इधर बढ़ के दिल्ली वाले एरिया को जीतना चाहते थे, दिल्ली वाले जीत के फिर आप देखेंगे कि इधर को जीतना चाहते थे। आप चाहे आप किसका भी आक्रमण देख ले, विदेशी आक्रमण, उसमें आप देख सकते हैं, तो फिर इधर का एरिया जीतना चाहते थे, क्योंकि ये जो गुजरात का पोर्ट था तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था, और गुजरात के पोर्ट से ही इधर जितना था ये व्यापार वगैरह होता था, और फिर इधर लोग जीतता था। इधर यहाँ पे जो बंगाल का पोर्ट था, तो इधर आप देख सकते हैं, इधर आप जितना भी कंट्री है उधर व्यापार वगैरह कर सकते थे, तो इस वजह से। उसके बाद देखेंगे कि आप लोग ये इधर दक्षिण भारत में कोई भी शासक बढ़ता था जब ये तीन रीजन को कैप्चर में कर लेता था। तो ये था यहाँ पे जो मैंने आपको कुछ बता दिए। और ये त्रिपक्षीय जो संघर्ष है, इसमें कभी कभी आप देखेंगे धर्मपाल को भी विजय बताया गया है, कभी आप देखेंगे कि प्रतिहारों को विजय बताया गया है। तो युद्ध बहुत दिन तक चला था, तो जो छोटे मोटे होते रहते थे कॉन्फ्लिक्ट, तो उसमें जो जीत जाता था तो उसको इतिहासकार बता दिए हैं। तो ऐसा यहाँ पे सिनेरियो है। और ये भी माना जाता है कि जो ये धर्मपाल रहते हैं, तो ये एक बार मतलब कि त्रिपक्षीय संघर्ष में ये जीते जाते हैं धर्मपाल, तो फिर धर्मपाल जब जीतते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे राष्ट्रकूटों का शासनकाल था, तो इनको शादी करना पड़ता है देवपाल से। राष्ट्रकूट जो शासक थे उनको अपनी जो भी वहाँ पे पुत्री वगैरह थी, तो उनसे शादी करना पड़ता है धर्मपाल को, और फिर धर्मपाल से इनको देवपाल पुत्र जन्म लेता है। तो ये माना जाता है कि राष्ट्रकूटों से धर्मपाल की मतलब वहाँ की लड़की से शादी होती है, तो उसी का पुत्र ये देवपाल पैदा लेते हैं। और इनके भी शासनकाल में आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म का बहुत सारा विकास हुआ था, और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना ये करते हैं धर्मपाल, और ये भी माना जाता है कि धर्मपाल भी ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और ये बौद्ध धर्म की शिक्षा के, आप जानते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था, तो ये बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। और ये अभी आधुनिक देखेंगे कि बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। और त्रिपक्षीय जो संघर्ष है मतलब कन्नौज के लिए, इसमें इन्होंने भाग लिया था, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। और 11वीं सदी में आप देखेंगे गुजरात के जो कवि थे, सोडठल इनका नाम था, इन्होंने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी की उपाधि दिया है, मतलब कि उत्तरापथ के ये स्वामी थे। तो बहुत ज़्यादा मैंने आपको बता ही दिया कि बाद में जो धर्मपाल आते हैं, तो इन्होंने आप देखेंगे कि मैं बता ही रहा हूँ पूरी तरह से ये वाला इलाका ये सब ये जीते जाते हैं। तो ये इसमें आप देखेंगे नेपाल वगैरह सब आ जाता है, तो नेपाल पे भी इनका शासन था। तो आज भी आप देखेंगे कि नेपाल के बुकों में इनकी वीर गाथा के बारे में लिखी गई है। तो अब जो अगला शासक होता है, तो अगला शासक होता है देवपाल। तो देवपाल के बारे में हम
देख लेते हैं। और इसका शासनकाल आप देखेंगे कि लगभग 810 से 850 तक लगभग चलता है। और देवपाल जो रहता है ये अपनी राजधानी को फिर मुंगेर में बना लेता है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखें। और आप ये भी देखेंगे कि ये भी जो देवपाल थे तो ये भी बौद्ध धर्म के ही अनुयायी थे, तो इस वजह से भी इनको बोला जाता है कि ये बौद्धों के पूरी तरह से ये थे। और आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि जो उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ है उसका निर्माण देवपाल ने ही कराया था। तो ये सब मतलब ये सबसे माने जाते हैं ये प्रसिद्ध राजा थे यहाँ के, तो यही प्रसिद्ध राजा थे तो मैंने इनके बारे में बता दिया। उदंतपुरी जो प्रसिद्ध बौद्ध मठ है इनका निर्माण कराया था, और बालापुत्र था इनके अनुरोध पे नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण हो रहा था, उसके लिए इन्होंने 5 गांव दान में दिया था। तो उसके बाद भी आप देखेंगे महिपाल वगैरह बहुत सारे शासक आते हैं, लेकिन उतना हमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, वो इम्पोर्टेंट है नहीं हमारे। नेपाल भी आए थे, रामपाल। तो लगभग मान लीजिए आप कि इनका शासनकाल ऐसा माना जाता है कि 1203 तक इनका शासनकाल चलता था, लेकिन उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं ये सब जो शासक है, तो उतना हमें जानने की जरूरत है। अभी मैं स्पेसिफिक आपको एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो उतना सब चीज़ें हमें कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको लोग कोई पढ़ा रहा है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है नहीं। मैं आपको 20-100 बार बोल चुका हूँ, जो एग्जाम से इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और गौड़ी रीति नामक का विद्या का विकास पाल शासकों के समय ही हुआ है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी पाल शासकों के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि सेन वंश के बारे में, तो सेन वंश के बारे में हम देख लेते हैं। तो सेन वंश जो था इसकी स्थापना आप देखेंगे सामंत सेन ने की थी, और इसकी राजधानी जो थी ये दिया लखनौती में थी। और ये माना जाता है कि ये बंगाल के राड नामक स्थान पे हुई थी, और कोई कोई इतिहासकार इसको बोलता है कि ये कर्नाटक में हुई थी। तो इसको 2-3 जगह माना जाता है, लेकिन बहुत सारे इतिहास में कंफ्यूजन है, तो इस वजह से आप समझ सकते हैं। मेनली इसमें मानिएगा कि ये कर्नाटक में ही सामंत सेन शासन करते थे, और इनकी राजकीय भाषा संस्कृत थी। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा जो सेन वंश है। और राजधानी जो है तो आप इनकी राजधानी गौड़ भी देख सकते हैं, विक्रमपुर भी देख सकते हैं, नवदीप भी देख सकते हैं, लेकिन जो आपको मेनली राजधानी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे तो ये नदिया के बारे में पूछे जाएगी, जो कि लखनौती में है। और आप देखेंगे कि जो विजय सेन था ये स्वतंत्र शासक था, और ये शैव धर्म का अनुयायी था। तो इस वजह से आप मान सकते हैं कि इनका शासन जो है ये इस तरफ ही होगा, कि क्योंकि इधर आप दक्षिण भारत में ज़्यादा देखेंगे शैव धर्म, ये सब चीज़ें ज़्यादा फैली थी। और विजय सेन जो है इनके बारे में देवपारा जो अभिलेख है इससे हमें ज़्यादातर पता चलती है कि ये महान शासक थे इस वंश के, क्योंकि इनमें इनके विजयों के बारे में उल्लेख किया गया है, जो कि देवपारा अभिलेख है सेन वंश का, विजय सेन का। और सामंत सेन है तो इनका शासनकाल आप देख सकते हैं कि लगभग 1070 से लेकर 1095 तक इनका शासनकाल माना जाता है, जो जिन्होंने स्थापना की थी सामंत सेन का। तो इस वजह से आप टाइम पीरियड का भी पता लगा सकते हैं कि लगभग इनकी 1100 ईस्वी में शासनकाल। और विजय सेन जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनको लगभग मान लीजिए कि शासनकाल जो था 1096 से लेकर 1158 ईस्वी तक इनका शासनकाल आप मान सकते हैं, संभवतः होता है, कोई भी चीज़ इतिहास में कंफर्म नहीं। और जो ये विजय सेन थे तो इन्हीं को सेन वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, सेन वंश का, विजय सेन को। और इसमें भी आप देख लेंगे जो विजय सेन है शैव धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन इसमें भी इतिहासकार में मतभेद है। इनको कितना सारे जो इतिहासकार है वो मानते हैं कि ये विष्णु धर्म के अनुयायी, और इन्हीं के द्वारा आप देखेंगे जो विजय सेन थे तो एक देवपारा में प्रद्युम्नेश्वर जो शिव मंदिर है इनका निर्माण इन्होंने कराया था विजय सेन ने। तो ये सब कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। और आप अगला जो शासक मानेंगे तो उनको देख सकते हैं, ये थे वल्लार सेन। और इनके द्वारा किया जाता है कि दान सागर एवं अद्भुत सागर जो नामक ग्रंथ है इसका निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। और जो वल्लार सेन है इनको बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ही उच्च कोटि का विद्वान माना जाता है। और ये जो आप बुक का देखेंगे तो ये अपने गुरु के संरक्षण में इसकी रचना करते हैं, जो दान सागर है, अद्भुत सागर है, इन सब ग्रंथों की जो ये रचना करते हैं तो ये अपने गुरु के अंडर में रह के करते हैं वल्लार सेन। तो ये काफ़ी मतलब कि विद्वान शासक थे ये सेन वंश का। और उसके बाद आते हैं जो शासक इम्पोर्टेंट, तो ये लक्ष्मण सेन रहते हैं, और इनका शासनकाल आप मानिए कि 1179 से लेकर लगभग 1205 तक इनका शासनकाल चलता है। और जो लक्ष्मण देव हैं तो ये आप मानिए कि यही जो रहते हैं ये परम भागवत की उपाधि धारण किए रहते हैं, और ये जो थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो ऊपर आप देख रहे हैं ये लोग शैव धर्म के अनुयायी है, लेकिन इन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया था। और इन्हीं के आप राज्यसभा में देखेंगे कि गीत गोविंद जो है इसके लेखक जयदेव रहते थे, और पवन दूत के जो लेखक हैं
धोई रहते हैं। और यहाँ पे इन्हीं के दरबार में आप देखेंगे कि ब्रांज सर्वस्व जो है उसके लेखक हाला युद्ध भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। तो ये जो तीन प्रमुख बुक है इनके लेखक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। तो ये कवि थे तो इस वजह से इनको मतलब कि बाकियों को संरक्षण मिला है इन सब चीजों का। और एक पॉइंट जो यहाँ पे मेरे से छूट गया था, विजय सेन, तो ये विजय सेन जो थे ये देवपारा में प्रदुनेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था और ये एक शिव मंदिर था, तो ये देवपाल ने इसका निर्माण कराया था। और जो सेन वंश है तो यही आप मानेंगे कि जो प्रथम अभिलेख है इन्होंने अपना हिंदी में उत्कीर्ण कराया था, तो आप मान सकते हैं कि हिंदी का यहाँ से प्रचलन वगैरह हो चुका था। और लक्ष्मण सेन जो थे ये बंगाल के अंतिम हिंदू शासक माने जाते हैं। अब हुआ क्या था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति रहता है आप उसको देखेंगे, बख्तियार खिलजी को, तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल पे आक्रमण किया। जब वहाँ पे आक्रमण हो रहे थे तो दिल्ली पे आप देखेंगे कि आक्रमण होता है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। उसी टाइम आप देखेंगे बंगाल पे भी शासन होता है, वही बख्तियार खिलजी जो रहता है यहाँ पे लक्ष्मण सेन के शासनकाल में आक्रमण करता है। और माना जाता है कि ये भाग के जो लक्ष्मण सेन थे तो उसके डर से भाग के ये पूर्वी बंगाल में चले गए थे और वहीं से शासन वगैरह चलाए और बाद में पूरी तरह से इसको मिला लेते हैं दिल्ली सल्तनत बंगाल को। तो ये मतलब कि सेन वंश का मेनली आप देख लिए शासनकाल था। तो माना जाता है, वो मैंने आपको बता दिया, बंगाल पे भी ये लोग माना जाता है कि शासन करते थे और कर्नाटक। तो आप कुछ यहाँ पे ये भी देख लिए और कुछ ये भी, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है क्योंकि छोटे छोटे राजवंश है तो इनके बारे में उतना इतिहास हमें पता चल नहीं पाता है, तो इसी वजह से इनमें कन्फ्यूजन पैदा होता है कि और इतिहासकारों में मतभेद रहता है। तो जो बड़े शासक रहते हैं या फिर जो बड़े साम्राज्य रहते हैं उनके बारे में लगभग डाटा सेम रहता है कोई भी इतिहासकार लिखेगा तो, लेकिन जो छोटे वगैरह रहते हैं तो प्रमुख जो इतिहासकार होते हैं वो तो लिखते नहीं, और कोई लिखता भी है तो उसमें बहुत कॉन्ट्राडिक्शन आपको दिखेगा कि कोई बोलेगा यहाँ पे शासन करते थे, कोई बोलेगा वहाँ पे कोई सह धर्म का अनुयायी था, कोई बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो ऐसे चलते रहता है इतिहास में। तो ये सब चीज़ें अब हम कश्मीर के राजवंश को देख लेते हैं और इसके बाद हम राजपूतों के काल को देखेंगे इसमें। तो अब हम देख लेते हैं कश्मीर के बारे में। तो कश्मीर का ये है कि कश्मीर पे भी जैसे मान लीजिए कि हर एक क्षेत्र में राजवंश चलते थे, कोई वंश शासन करता था, वैसे ही कश्मीर का भी इतिहास है। तो कश्मीर में आप देखेंगे कि लगभग एंशेंट इंडिया में तीन वंश शासन करते हैं। तो एक आप देखेंगे कारकोट वंश के बारे में, उत्पल वंश के बारे में और लोहार वंश के बारे में। तो ये तीन वंश शासन करते हैं, जैसे कि आप बाकी क्षेत्र में जैसे देखेंगे कि लोग शासन करते हैं, जैसे कि मगध पे ही आप देखते हैं तो नंद वंश, मौर्य वंश, ऐसे वंश करके राज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी तीन वंश ये शासन करते हैं, वही हमें देखना है इसमें। और मेन जो शासक होंगे उसके बारे में हमें देखना है। और कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें मेनली जानकारी आप देखेंगे तो मिलती है हमें कल्हान द्वारा जो लिखी गई राजतरंगिनी है, तो उसके से हमें इन वंश के बारे में पता चलता है और कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें अच्छे से पता चलता है राजतरंगिनी द्वारा, कल्हान द्वारा जो बुक लिखी गई है उससे हमें पता चलता है। तो पहला जो हम देखते हैं तो 627 ईस्वी में दुर्लभवर्धन द्वारा कारकोट हिंदू वंश की स्थापना की जाती है कश्मीर में। तो आप देखेंगे पहले हिंदू वंश चलता था और ह्वेनसांग ने कश्मीर की यात्रा की थी इसके शासनकाल में। तो ह्वेनसांग के बारे में मैंने आपको पहले बताया है, तो ये जो ह्वेनसांग रहता है ये इन्हीं के शासनकाल में कश्मीर की यात्रा करता है। और इसके बाद भी बहुत सारे मतलब शासक आए, तो जैसे कि हर एक वंश में आप देखते हैं बहुत सारे शासक आते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे शासक आते हैं, प्रतापादित वगैरह ये सब कुछ शासक आते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम जो पढ़ते हैं तो मेनली जो इम्पोर्टेंट शासक रहते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जो सबसे शक्तिशाली शासक यहाँ पे आता है तो ललितादित्य मुक्तिपीर था ये, और ये मैंने बताया जैसे कि कारकोट वंश का ये सबसे शक्तिशाली था और इसने जो कश्मीर में था ये मार्तिनांड मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो ये ललितादित्य था। और ये जो था तो ये कन्नौज का शासन जो यशोवर्मन था तो उसके सहायता से ये फिर तिब्बतियों को भी हराता है, ये समझ लीजिए। तो ये आप मान सकते हैं ये कश्मीर रहता है यहाँ पे और इनका यहाँ पे शासन काल पूरे इस क्षेत्र पे रहता है, और इधर आप देखेंगे तिब्बत रहता है, बहुत बड़ा इलाका है। तो ये कन्नौज के शासक यशोवर्मन से, यहाँ पे कन्नौज रहता है, यशोवर्मन से सहायता लेके फिर तिब्बतियों को भी हराता है। तो ये जो था तो ये कन्नौज पे आप देख सकते हैं, तो उस टाइम हर्ष का शासन काल चल था और हर्ष के बाद यशोवर्मन जो आता है शासक, तो ये उसे भूति वंश का शासक रहता है यशोवर्मन, इसकी सहायता से करता है तिब्बत को हराता है। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि ये यशोवर्मन को भी पराजित कर देता है इनको हराने के बाद, फिर जो इसकी सहायता किया रहता है यशोवर्मन पुष्यभूति वंश का, उसको भी हरा देता है। और इसने सूर्य मंदिर भी निर्माण कराया था कश्मीर में। तो ये वंश अब मान लीजिए ये जो कारकोट वंश है यहाँ पे ये वंश समाप्त हो जाता है, और फिर जो दूसरा वंश आप देखेंगे तो ये उत्पल वंश की स्थापना होती है, और ये जो स्थापना करता है तो ये अवंत वर्मन था इसका संस्थापक,
अवंती वर्मन, और अवंती वर्मन नगर की भी स्थापना ये करता है जो अवंती वर्मन रहता है। और जो झेलम नदी है, तो फिर ये जो झेलम नदी थी तो इसको इसने करवाया कि बहुत सारे इसमें से नहर वगैरह बनवा दी, क्योंकि झेलम नदी से बहुत बाढ़ वगैरह आते थे तो नहरें बहुत सारी बनवा दी। तो अब जो बाढ़ आता था बहुत सारा पानी, तो उस नहर के द्वारा इधर उधर उसको डाइवर्ट कर दिया जाता था। तो ये अवंती वर्मन द्वारा ही करवाया गया था। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि शंकर वर्मन भी आते हैं इस शासक उत्पलव वंश के, और फिर गोपाल भी आते हैं। गोपाल जो रहता है ये अल्पवयस्क रहता है, और अल्पवयस्क थे तो इनकी एक सुगंधा थी, सुगंधा इसकी संरक्षिता बनी और उसके बाद इसका शासनकाल चलता था गोपाल का, मतलब उत्पलव वंश का। और फिर क्या होता है कि यहाँ पे गोपाल की हत्या कर दी जाती है और जो सुगंधा रहती है इनकी भी हत्या कर दी जाती है। प्रभाकर नाम का एक व्यक्ति था, और फिर प्रभाकर अगला उत्तराधिकारी बनता है। और फिर आगे मतलब इस वंश के जो भी शासक रहते हैं ये कमजोर हो जाते हैं, उनको पदस्थ करके फिर यहाँ पे लोहार वंश की स्थापना होती है। और लोहार वंश की जो स्थापना करते हैं ये संग्राम राज स्थापना करते हैं। एक रानी गिद्या थी, उन्हीं का भतीजा था। गिद्या जो थी वो ही इसके पहले जो उत्पलव वंश था उसकी शशिका थी, तो उनकी हत्या करके ये अपना संग्राम जो रहता है ये लोहार वंश की स्थापना करता है। और फिर जो इम्पोर्टेंट राजा आता है तो वो हर्ष विद्वान आता है, और ये कवि भी रहता है तथा कई भाषाओं का ज्ञाता रहता है। और कल्हण जो रहता है ये हर्ष का आश्रित कवि भी था। तो कल्हण के बारे में आप जानते हैं जो कि राजतरंग ने लिखा है, तो मैंने आपको बताया। तो इनको संरक्षण दिया था हर्ष विद्वान। तो ये हर्ष आप पुष्यभूति वंश वाला मत सोचिएगा, जो वर्धन वंश है उसका नहीं, ये हर्ष लोहार वंश का शासक रहता है। और अब देखेंगे फिर जयसिंह रहता है। जयसिंह मतलब बहुत सारे और भी शासक आते हैं, लेकिन जयसिंह जो रहता है ये अंतिम रहता है लोहार वंश का शासक। और 1128 से 1155 के इसके शासनकाल के साथ ही कल्हण की जो राजतरंगिणी है उसका विवरण समाप्त हो जाता है, मतलब इसको पूरा कर दिया जाता है कल्हण का जो राजतरंगिणी होता है। तो ये तीन वंश था कश्मीर का जो मैंने आपको बता दिया, ये तीन प्रमुख यहाँ पे वंश थे कश्मीर में एंशेंट एरिया में। अब हम मीडिएबल में इसको अलग से फिर जो मीडिएबल का हिस्ट्री होगा वहाँ, यहाँ से अब हम देखेंगे कश्मीर का इतिहास। तो ये हमारा आज जो ये सीमावर्ती राजवंश होता है ये कंप्लीट हो गया। सेन वंश हमने देख लिया, पाल वंश देख लिया, और कश्मीर को देख लिया। तो इसमें तीन हमने देख लिया साम्राज्य के बारे में। तो अब हमारा राजपूत काल स्टार्ट होगा और उसको हम बहुत ही अच्छे से डीपली जो है वो बताया जाएगा यहाँ पे। अब जो हम देखेंगे राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ था ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा, और उसके बाद बहुत ही अच्छे से हर एक वंश को कंप्लीट किया जाएगा। तो पहले गुर्जर प्रतिहार के बारे में हम देखेंगे, फिर ये टूट के ये इतने सारे राजपूत वंश आते हैं वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो हर एक चीज़ें इसमें होंगी, तो आप लोग कृपया करके इसको सीक्वेंस से देखते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ओके गाइस, थैंक यू।